उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में बालू के ओवरलोड ट्रकों पर चला जिला अधिकारी का चाबुक। जिला अधिकारी ने जिले में ओवरलोड ट्रकों को संज्ञान में लेते हुए क्रॉस चेकिंग के दौरान एआरटीओ कौशाम्बी और उप जिलाधिकारी सिराथो व एसओ सैनी को निर्देश देते हुए कहा कि जिले में ओवरलोड बालू की ट्रकें पकड़कर सीज किया जाए। जिला अधिकारी के इस निर्देश पर सैनी पुलिस ने बालू के ओवरलोड ट्रकों पर किया बड़ी कार्रवाई किया सीज। खनन और परिवहन विभाग को दोनों मिलाकर 15 लाख का जुर्माना वसूला गया। ओवरलोड बालू के ट्रक चलने से जिले के सड़क गड्ढे में तब्दील हो जाती है। जिला अधिकारी ने जिले के सड़कों को देखकर संज्ञान लिया और उप जिलाधिकारी को आदेश दिया कि ओवरलोड ट्रकों पर कार्रवाई करे। पुलिस की इस कार्रवाई से जिले में ट्रक माफियाओं में मचा हड़कंप। 19 बालू के ओवरलोड ट्रकों को सैनी पुलिस ने सीज किया। ओवरलोड ट्रकों की इस कार्रवाई से जिले में हड़कंप मच गया। पेश है कौशाम्बी के संवाददाता राम किशन की खास रिपोर्ट। अभी तो जैसा कि आप अवगत हैं, करीब 15-16 गाड़ियां यहां थाने स्थाने पर बंद हुई। जिलाधिकारी महोदय ने निर्देश दिया था कि कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही थी, लगातार इसे अभियान चल ही रहा था, चुनाव की वजह से प्रशासन का आई थी। उसी को ध्यान में रखते हुए ज्वाइंट चेकिंग हुआ है और उसमें करीब 15 सुपर गाड़ियाँ ओवरलोड बंद की गई। कितना राजस्व होगा इससे? परिवहन फंड मिलाकर करीब 15 लाख रुपये के आसपास इससे राजस्व वृद्धि होगी। और सबसे अच्छी बात यह कि कम से कम इन लोगों पर कंट्रोल रहेगा जो इस तरह की गाड़ियाँ चला रहे हैं, कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व हैं, पसंद कराते हैं या किसी ना किसी, तो उसी को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों पर हम लोग।